इसका उपयोग अस्थमा में किया जाता है। यह फेफड़ों और श्वास मार्ग में कोशिकाओं को रासायनिक संदेशवाहकों को छोड़ने से रोकता है जो वायुमार्ग की सूजन का कारण बनते हैं। यह वायुमार्ग को चौड़ा करता है और सांस लेने में आसान बनाता है। रोटाकैप्स को निगलना नहीं चाहिए। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। कैप्सूल को रोटाहेला के बेस पर रखें, माउथपीस में नहीं। माउथपीस को पूरी तरह से तब तक घुमाएं जब तक कि आपको एक क्लिक सुनाई न दे और माउथपीस से गहरी सांस लें। अपनी सांस को 10 सेकंड तक रोके रखें। अगर रोटाहेला में कुछ पाउडर रह जाए तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। धन्यवाद।